हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हम अपने रेडमी फ़ोन में जो लॉन्च कैमरा ऑप्शन होता है, उस लॉन्च कैमरा ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो लॉन्च कैमरा ऑप्शन के इनेबल एंड डिसेबल पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना आपको मैं फिर इस वीडियो को हम सिंपल शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास रेडमी फ़ोन है, जो रेडमी फ़ोन की मोबाइल सेटिंग होती है, सेटिंग्स में ओपन कर देना। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने का तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन शो होता है, सिंपली डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नीचे गाइस सॉरी यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आते ही यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट का सेकंड ऑप्शन शो होता है इस लॉन्च कैमरा ऑप्शन। तो सिंपली उसको इनेबल कैसे करना है, सिंपली हमको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं जो हमारा लॉन्च कैमरा ऑप्शन है वो हमारा इनेबल हो जाएगा। और कहीं से अगर आपको इसे डिसेबल करना है तो आप इसको इतनी डिसेबल भी कर सकते हो। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं जो हमारा लॉन्च कैमरा ऑप्शन हमारा डिसेबल भी हो जाता है। तो इस तरीके से अपने लॉन्च कैमरा ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर स्लीप मोड को चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपली कैसे आपको स्लिप पे क्लिक करना है, स्लिप पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपको जो टाइम सेलेक्ट करना है उस टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कैसे यहाँ पे आपको 5 मिनट 10 15 सेकंड से 10 मिनट्स का ऑप्शन शो होता है, तो यहाँ से आपको किसी भी टाइम को सिलेक्ट करके टाइम लगा सकते हो। तो कैसे एक हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गाइस।